पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? क्लास सिक्स में आप बताइए। स्टार बनाना, डिफरेंट टाइप के स्टार बनाना, ठीक है, और लाइन की मोटाई को छोटा छोटा बड़ा करना, घटाना बढ़ाना, ये भी कई तरह की चीज़ें सीखी थी उसमें। हमने सेलेक्ट करना सीखा था और भी डिफरेंट फंक्शन उसके लिए हमने सीखा। हाँ, कलर कलेक्ट करना, कौन कौन से टूल यूज किए थे? आइए हम पिछली कक्षा का रिवीजन करते हैं। क्या आप जानते हैं कलर पैलेट का उपयोग क्यों करते हैं? ये सब तो आप जान ही गए होंगे, कलर पैलेट का यूज क्यों करते हैं। लाइन को कलर करने के लिए, किसी भी शेप बनाइए उसको भी कलर करने के लिए, कलर करने के लिए नारंग बनने के लिए। कलर पैलेट का उपयोग आप कलर को चेंज करने के लिए करते हैं, क्या आप बता सकते हैं फिल्मिक कलर का उपयोग क्यों करते हैं? फिल्मिक कलर का उपयोग सर पूरे इसको भरने के लिए, अंदर जो सेट्स होते हैं, कोई आकृति होती है उसको अंदर जो कलर भरते हैं, जो उसमें फिल्म विद यूज किया जाता है। ठीक है, फिल्म विद कलर से आप किसी इमेज के अंदर कलर को फिल कर सकते हैं। अगर आप फिल्म विद कलर का उपयोग कर रहे हैं और आप बनाए गए चीज के बाहर गलती से क्लिक कर देते हैं तो अगर हम गलती से जो हमने शेप बनाई है उसके गलती से उसके बाहर क्लिक हो गया और हमने फिल्म विद कलर यूज किया हुआ है, वो सारी चीज पे फैल जाएगी। क्या होगा अगर आप फिल्मिक कलर का उपयोग कर रहे हैं और आप गलती से उस ड्राइंग के बाहर क्लिक कर देंगे तो आपके सीट पर वह कलर भर जाएगा। फिल्मिक कलर का उपयोग किस कलर बॉक्स के साथ करते हैं? फिल्मिक कलर का उन्होंने पूछा है कलर के किस बॉक्स के साथ करते हैं फिल्मिक कलर का यूज, मतलब ये जो बॉक्स बने हुए हैं कलर वन कलर टू कौन सा कलर वन आप देखिए क्या हुआ सर, एक फिल्म विद कलर का किस कलर बॉक्स के साथ यूज करते हैं, कलर वन बॉक्स या कलर टू बॉक्स? बॉक्स नंबर टू सर। आपने क्या बताया? कलर वन बॉक्स बताया। कितने कहते हैं कलर वन के साथ यूज करते हैं, कितने एग्री हैं? कलर वन बॉक्स के साथ हैं सर, दोनों कर सकते हैं सर यूज, तो फर्स्ट टाइम कर सकते हैं सेकंड टाइम कर सकते हैं। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन कलर वन या कलर टू, तो अब देखते हैं कौन कितने एग्री है, पता चले किसका कितना ध्यान है। इन्होंने कहा है कलर टू, कितने एग्री हैं? दोनों कलर उसका नहीं लगना चाहिए सर, दोनों कलर फर्स्ट टाइम यूज कर सकते हो सेकंड टाइम। अभी आप ठीक सॉरी मैंने कहा इनके साथ कितने सहमत है, इन्होंने कलर दो टू बॉक्स बोला है, कलर वन कलर टू ये भी कहा है कलर टू, और तुक्का नहीं लगा, नहीं गलत हो रहा कोई नहीं बता दे जाएगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कलर वन के साथ में सारे इन्होंने कहा है कलर वन के साथ हम फिल्मिक कलर ऑप्शन का यूज करते हैं, तो और बाकी सब इनके साथ सहमत है, कंफ्यूज है सारे, ये कुछ पता नहीं चलता। मैं तो वन के साथ जाऊंगा। आप कितने कहते कलर उनके साथ जाएंगे? कौन से कलर वन? बस सर देखिए आपको क्लास में ध्यान नहीं है, आप करवाइए क्लास में, बिल्कुल अलग नहीं जाना चाहिए कलर सर। कलर वन बॉक्स जो वन है सर, जो हमने फिल विद कलर टूल बॉक्स सेलेक्ट करा, तो मैंने ऐसे ही के लिए सबको पता है, किसी को नहीं पता, मैं देखा चार पांच की थोड़ा बहुत ध्यान नहीं है किसी का भी, इतना मैं कह सकता हूँ, कोई भूल गया, किसी को याद नहीं, कोई कलर वन कलर टू सहमत तो हो कोई ना किसी के साथ में, याद नहीं सर थोड़ा ध्यान रखिए क्लास का। अगर आप फिल विद कलर का उपयोग कर रहे हैं तो आप उसके साथ में कलर बॉक्स वन का उपयोग करेंगे,
अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें। ऑन करना तो सबको ही आता है, ऑन ही होंगे बीसी से। अभी जब मॉर्निंग में बात कर रहे थे कि कलर वन इज गोइंग फॉर द लाइन आउटलाइंस के लिए, कलर टू बॉक्स फॉर द फिलिंग यूज करो। हमें कलर लेंगे अलग से, पर्टिकुलर कलर उसके अंदर एक बॉक्स बना दिया, आउटलाइन हमने कर दिया, जो भी काम अलग अलग कलर करें वो भी कलर भी तो कर सकते हैं। दोनों ही लगी सिटिंग, दोनों ही करो तरीके हो गए। वो तो नॉर्मल है, लाइन लाइन ड्रॉ करने के टाइम में है, पर हमें अलग कलर एक बॉक्स बनाया लाइन टूल से या किसी भी टूल से हमने उसका कलर फिल करना होगा, तो उसके लिए हम फिल विद कलर के साथ में कलर वन यूज करेंगे ना कि कलर टू। और भी आप क्लासेस जो जैसे आगे बढ़ेगी आप कलर वन कलर टू में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। सही कि फिल विद में दोनों यूज कर सकते हैं आप, तो फर्स्ट में भी सेकंड में भी। तो लाइन के लिए तो कलर वन हो गया ना आपका, और अंदर के लिए वो इसीलिए जो कलर टू है वो जो कल सर ने बताया था वो जब हम ड्रॉपर यूज करेंगे तब आएगा कलर टू। ड्रॉपर की तो बात नहीं हुई थी, बस मैं ये कंफर्म किया था इसलिए। ये कल हुई ड्रॉपर की बात, आप जो सर कह रहे थे ये कहा गया कि आउटलाइन के ब्रॉड आउटलाइन के लिए आप कलर वन यूज कर रहे हैं, कलर वन फिलिंग के लिए कलर टू यूज, कलर टू यूज करेंगे। तो अब इसका यूटिलाइजेशन बताया नहीं गया था, और अलग चीज है कि तरीका डिफरेंट भी हो सकता है। कलर टू का मतलब अभी तक नहीं है तो वही कह रहा हूं, उससे दिक्कत नहीं है। अभी कलर वन नहीं चल रहा है, कलर वन है। तो अभी आप कलर वन किसके लिए होता है, आउटलाइन के लिए, और कोई इमेज ड्रॉ करते हैं तो फिल विद कलर के साथ में आपका कलर वन यूज होगा। अभी रह गया आपका कलर टू, तो आपको मैंने वही कहा कि आगे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे आपको उसी का पता चल जाएगा। अगर कंप्यूटर को ऑन करने में कोई समस्या हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आप सभी एमएस पेंट की फाइल को ओपन करें। सब अपने अपने पीसी पे एमएस पेंट खोलें। खोलिए सबने, वीडियो को प्ले कीजिए। क्या आप एमएस पेंट की फाइल को ओपन कर लेंगे या नहीं? अगर आपको एमएस पेंट की फाइल को ओपन करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से पेंट की फाइल को ओपन करना सीखें। हमें आप जो सीखेंगे वह इस प्रकार से है। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड का उपयोग कैसे और किस लिए? कीबोर्ड क्या होता है, जी कीबोर्ड पड़े हुए हैं क्या होता है, सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? सबसे पहले सर ये हार्डवेयर है। चलो वो तो पढ़ा नहीं अभी, इसका यूज क्यों करते हैं कीबोर्ड का? सर टेक्निकली बताऊं तो कुछ और होता है सर। सर मैं आपने टेक्निकली आप नहीं बताओ, कोई और बताएगा। अगर बच्चों के साथ बताओ, आप नहीं बताओ कोई और बताएगा। अच्छा किसी और से पूछिए। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड का यूज क्यों करते हैं? कोई भी नाम या कुछ भी लिखते हैं उसको कीबोर्ड पर टाइप करने के लिए। इसके ड्राइंग बना सकते हैं हम, या फिर इसमें नाम लिख सकते हैं, या फिर हम इसमें डिलीट भी कर सकते हैं इसके द्वारा। कीबोर्ड से ड्राइंग बना सकते हैं सर, ये माउस से यूज करेंगे तभी दो बार। तो हम कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, माउस की नहीं ना। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, अल्फाबेट कीज क्या होती है? अल्फाबेट कीज क्या होती है? कितने अल्फाबेट होते हैं? इनका उपयोग कैसे करते हैं? आप दोनों जवाब नहीं दोगे। आप इन दोनों के अलावा सबसे पहले इनके और उनके नंबर कीज क्या होती है, इनका उपयोग कैसे करते हैं? नंबर कीज क्या होती है? नंबर की ये क्यों यूज करते हैं, क्या नंबर 1 2 3 लिखे हुए करें, यूज करते हैं।
नहीं मेन प्लस माइनस तो बढ़ ले है ना, मेन एक दो तीन बस सिंपल काउंटिंग है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और जीरो दिया। जैसे एबीसीडी हुआ आप क्या कहते हैं नाम लिखने के लिए, एबीसीडी लिखने के लिए नंबर को क्या नाम है, अगर नंबर टाइप कर दिया या काउंटिंग कर लिया आपने या मल्टीप्लाई जो करना चाहते हो मेन नंबरिंग करने के लिए, नंबरिंग करने के लिए प्लस काउंटिंग करने के लिए तो बाद में आ जाता है। नेक्स्ट सब पहले नंबरिंग है, प्ले प्ले की जी स्पेशल कीज क्या होती हैं, इनका उपयोग कैसे करते हैं, स्पेशल कीज क्या होती है, ये मान के चल सकते हैं अभी इनको पता नहीं, पता इनको नहीं पता है। नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। एंटर बटन क्या होता है, स्पेस सर अब यहाँ पर मान के चल सकते हैं किसी को कीवर्ड वाला नहीं पता है तो कंट्रोल के बारे में। बार बटन क्या होता है, बैक स्पेस बटन क्या होता है, डिलीट बटन क्या होता है, एरो कीज क्या होती है और इसका उपयोग क्यों करते हैं, और सबसे लास्ट में सीखेंगे टच टूल क्या होता है और इसका उपयोग ये अभी आपको कीबोर्ड की कीज के बारे में बताया था, अभी आगे वीडियो में हम सबके फंक्शन पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर कीज से क्या क्या होता है, एरो कीज से क्या होता है, फंक्शन कीज से क्या होता है, अल्फाबेट कीज से क्या होता है, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट टूल। आपने सब एम एस पी एन खोल रखा होगा, आपके टूल बॉक्स में शो हो रहा होगा। कोशिश करवाई कि बच्चों से ये जो कि हम जो